गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर एक बार फिर गो सेवा के प्रति अपनी विशेष पहचान को और भी गौरवशाली बना चुका है। देश भर में गो सेवा के लिए प्रसिद्ध गोरक्षपीठ की गौशाला में अब आंध्र प्रदेश की अत्यंत दुर्लभ और चर्चित पुंगनूर नस्ल की गायों का आगमन हुआ है। शुक्रवार सुबह जब मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गौशाला में इस नन्ही जोड़ी बछिया और बछड़ा का स्वागत किया तो यह दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुंगनूर नस्ल के गोवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाते हुए उनके माथे पर हाथ फेरा और बड़ी ममता से कहा, तुम्हें माई की याद आ रही है ना? इस पल ने वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू लिया। मंदिर की गौशाला में आई यह जोड़ी न केवल अपने छोटे और प्यारे आकार के कारण आकर्षण का केंद्र बनी रही, बल्कि पुंगनूर गाय की अपनी विशेषता भी इसे और खास बनाती है, क्योंकि यह नस्ल देश में बहुत दुर्लभ मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार की सुबह परंपरागत रूप से गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेकने के साथ शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने गौशाला में श्यामा, गौरी, गंगा, भोला जैसे नामों से गोवंश को पुकारा। योगी की यह आवाज गोवंश के लिए जानी पहचानी है और उनकी पुकार सुनते ही कई गोवंश दौड़ते हुए उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री ने सभी गोवंश को अपने हाथों से दुलारा और गुड़ खिलाकर उनके प्रति अपना स्नेह जताया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गौशाला के कर्मचारियों से गोवंश के स्वास्थ्य और देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने गोवंश के पोषण और स्वास्थ्य के लिए जरूरी निर्देश भी दिए ताकि यह सेवा और संरक्षण निरंतर चलता रहे। गोरक्षनाथ मंदिर की यह गौशाला पुंगनूर गायों के आगमन के साथ अब गो सेवा के प्रति समर्पण की एक और मिसाल पेश कर रही है। अरे अपनी माई की याद आ रही होगी। अरे